हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाल बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी खबर गुड़ी आपण मैंने जाणी निहाती दरकार। तेब आसतु जाणी कौन से ही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेब ता पूर्वर आपंक अनुरोध अटे जदि आपंक भिडियोट भल लगे आपड़ लाइक करने सहित भिडियो को अधिक अधिक सेयार करेंगे। या सहित यह लाटेस्ट खबर सबको जाना आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। दर्शक बंधु चलतु नजर पकड़ आज मुख्य समाचार उपरे। आज प्रथम खबर, एक टंका न आसीले भी सतर से मिल टा। आसंता काली राज्य सरकार बहु प्रतीक्षित योजना सुभद्रार शुभारंभ हो। तेज यह पूर्व परीक्षामूलक भाव में एक टंका लिखाएं किसी सुभद्रा हिताधिकारी बैंक अकाउंट को पठा जाए। तेज जो अकाउंट को एक टंका जाए ना से टा मिल कि नहीं से नहीं से माने द्वंद्व रे अछंती। तबे सोमवार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एही द्वंद्व को दूर करिछंती। से कहिछंती जे अकाउंट को एक टंका न आसीथिले भी हिताधिकारी सतर रे सुभद्रा टंका पाइबे। अकाउंट को एक टंका पठा जिबा एक ट्रायल रन थिला। सिस्टम चेक करबा को एक टंका लिखाए पठा जाइथिला। जहां अकाउंट को एक टंका जाय नथिबो से भी सुभद्रा टंका पाइबे। सबु योग्य हिताधिकारी पाइबे। अकाउंट को टंका जिबो 17 तारीख परे भी लोके आवेदन करि परिबे एवं निश्चिंत टंका पाइबे। बाहर थिले भी जेबे आसी आवेदन कले टंका मिलिबो बोली श्रीमती परिडा कहिछंती। तेबे एहा उपरे आपणकर मतामत कौन रही आमको कमेंट सेक्शन रे लिखि निहंती जणाइबे। योग्य मतामत गुडिक वीडियो शेषरे प्रकाश करा जिवो। नंबर दुई, पार्वण रे हला खाउटी को महंगा माड़। देश में पार्वण आरंभ होबाकु जाउछि। लोकों भितर विभिन्न सामग्री चाहिदा वृद्धि पाई। एभली स्थित में केन्द्र सरकार पामोलीन सूर्यमुखी और सोयाबीन तेल उपर आमदानी शुल्क बढ़ाई ग्राहकों उपर बोझ उपर नलिता बिड़ा लदिदेइछन्ति। आमदानी शुल्क वृद्धि प्रभाव साधारण खाउटी उपर सीधा सड़ख पड़ी। शुल्क वृद्धि फल भुवनेश्वर खुचुरा बजार में विभिन्न प्रकार खाइबा तेल दर में 20 टंका वृद्धि घटी। दिनक ते सोरिष तेल दर लिटर पिछा 140 टंका थिबा बळे आज यह 160 टंका रे बिक्री होउछि। सेई भळी विभिन्न प्रकार रिफाइन तेल पूर्वरु लिटर पिछा 108 टंका रे बिक्री होउथिबा बळे आज विभिन्न स्थान रे 120 रु 130 टंका भळी उच्चा दर रे बिक्री होउछि। केन्द्र सरकार 13 तारीख रे पामोलीन सोयाबीन एवं सूर्यमुखी तेल उपरे 20% मूल आमदानी शुल्क लगाइबा सहित ताहाकु 14 तारीख रु लागू नै निर्देशनामा जारी करथिले। विशेष घोषणा, आम चैनल रो रेगुलर अपडेट आउ ब्रेकिंग न्यूज पाई आम व्हाट्सएप चैनल सहित तो जोड़ी हो जातु। लिंक टे आपन को डिस्क्रिप्शन ने पाई परिबे। नंबर तीन, खूब शीघ्र समस्त जिला को रेल संजोग करा जिवो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम रे ओडिसा तीनोटी नूतन वंदे भारत ट्रेन रो चलाचल रो शुभारंभ करिछंती। शुभारंभ परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ब्रह्मपुर टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस रे बसी ब्रह्मपुर निकटस्थ जगन्नाथपुर स्टेशन रु भुवनेश्वर फेरीथिले। एही अवसर रे ट्रेन रे उपस्थित थिबा विभिन्न गणमाध्यम रो प्रतिनिधि को प्रतिक्रिया दे मुख्यमंत्री कहिथिले जे आज ठारु ओडिसा रे रेल विकास रो सुवर्ण युग आरंभ हैला। ओडिसा रे रेल भित्तिभूमि विकास पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मुख्यमंत्री ओडिशावासी पक्षर कृतज्ञता देवा सहित कहते जे वर्तमान ओडिसा गोटे दुईटी जिला को बाद दे अन्य समस्त जिला को रेल संजोग होई। नंबर चार, यूपीआई कारबार रे अंकुश। दैनिक करिपारिबे मात्र एतिके ट्रांजेक्शन। देश में यूपीआई कारबार द्रुत गति रे वृद्धि पाई। स्मार्टफोन व्यवहार करुथिबा प्राय प्रत्येक व्यक्ति छोटो एवं बड़ कारबार एवं टंका स्थानांतर पई यूपीआई व्यवहार करुछंती। बड़ दुकानी ठारु आरंभ करी छोटो रास्ता कडरे थिबा दुकान पर्यंत सेमाने क्यूआर कोड माध्यम रे देय प्रणाली ग्रहण करिछंती। तथापि यार दैनिक सीमा को नै सबुबेले प्रश्न उठुछि। वर्तमान नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्य समस्या को हटाई देछि। आज ठारु यूपीआई कारोबार रो दैनिक सीमा अनेक जिनिस पई वृद्धि हेबाकु जाउछि। ते भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश अनुजाई एनपीसीआई सेप्टेम्बर 16 रु अनेक स्थान रे यूपीआई कारोबार रो सीमा वृद्धि करबाकु निष्पत्ति नेछि। अगस्त 8 रे मॉनिटरी पॉलिसी बैठक पर आरपीआई एही निष्पत्ति नेछि। नंबर 5, ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री। 74तम जन्मदिन रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसंता काली से आसिबा नै सबु प्रस्तुति सरिछि। ओडिशा गस्तरे आसी प्रधानमंत्री जनता मैदान रे जनसभा को संबोधित करबा सहित सुभद्रा योजना रो शुभारंभ करिबे। परे विभिन्न प्रकल्प रो शुभारंभ करबा नै कार्यक्रम रहिछि। मिलिथिबा चिट्ठी अनुसार मंगलवार गुजरात अहमदाबाद रु सकाळे भुवनेश्वर अभिमुखे यात्रा आरंभ करिबे प्रधानमंत्री। दिन 10:50 रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुचिबे। भुवनेश्वर गार्डकोण रे 30 मिनिट
ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଜନତା ମୈଦାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି 11:55ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। नंबर 6 घोषणा है फ्लिपकार्ट्रे सबुठारु बड़ सेल आसीगला। फ्लिपकार्ट्रे आगामी बिग बिलियन डे सेल यह सेप्टेम्बर 27 आरंभ होबाकु जाउछि। एही सेल रे यूजर माने अनेक प्रोडक्ट उपरे बड़ डिस्काउंट पाइबे। फ्लिपकार्ट प्लस यूजर माने एही सेल को शीघ्र एंट्री करिबे, अर्थात 26 सेप्टेम्बर ही प्लस यूजर माने ऑफर रो मजा नै पारिबे। नियमित यूजर को पई एही सेल सेप्टेम्बर 27 आरंभ होबो। गत वर्ष एही सेल 8 अक्टोबर 2023 रे आरंभ होइथिला, किंतु वर्तमान एहा शीघ्र आरंभ होबाकु जाउछि। आगामी फेस्टिव सीजन को दृष्टि रखि ए सेल रे स्मार्टफोन, घर उपकरण, इलेक्ट्रोनिक सामग्री रे भल डील मिलिबो। दुर्गा पूजा एवं दीपावली पूर्वरु आयोजित होबाकु थिबा एहि सेल रे बड़ रिहाती मिलिबो। नंबर 7 देशरे जनगणना पई प्रस्तुति आरंभ, जाति गणना पई निष्पत्ति होइना हे। तबे सूत्ररु प्रकाश जे खूब शीघ्र देशरे जनगणना करा छिबो। भारतरे 1881 मसीहारु प्रति 10 वर्षरे जनगणना करा जाउछि। शेषतर पई 2011 रे जनगणना होइथिला। एही क्रमरे 2021 रे जनगणना हेबा कथा, किंतु कोरोना महामारी जोगु से वर्ष जनगणना होइ परि नथिला। एबे मोदी सरकार निजरो तृतीय कार्यकाल रे जनगणना पई प्रस्तुति आरंभ कर देइछन्ती। तबे जातिगत जनगणना संपर्क में सरकार कौन निष्पत्ति नहीं नाहंती। ए जनगणना पई प्राय 12,000 कोटी टंका खर्च होबार संभावना रही। जनगणना करिबा सरकार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कार्य, कारण यह परिसंख्यान उपरे ही सरकार विभिन्न नीति निर्धारित होइथाय। नंबर 8 कहाँ को अकाउंट नंबर न देवाई कहिले प्रभाती परिडा। आसंता काली राज्य सरकार बहु प्रतीक्षित योजना सुभद्रार शुभारंभ हो। तेब यह पूर्व उपमुख्यमंत्री सुभद्रा हिताधिकारी सतर्क कराई कहाँ को निजर अकाउंट नंबर न देवाक अपिल कर किसी सुभद्रा हिताधिकारी मोबाइल को लिंक आसूसी साइबर ठकों कार्य होपे। तेब यह लिंक में क्लिक नकरक श्रीमती परिडा से राज्य सरकार पक्षर् कौनसी हिताधिकारी फोन कॉल जाए ना। सरकार पक्षर फोन कॉल कि लिंक कौन सी हिताधिकारी पाखक जीवना जदि किसी लिंक आसूसी तेज यह साइबर ठकों कार्य होपे। एने सतर्क रहा सहित कौन सी लिंक में क्लिक नकरक श्रीमती परिडा अपिल करतीस निजर आकाउंट नंबर कि एटीएम डिटेल्स नदेवाई सुभद्रापाई फर्म्रे आवेदन करने सहित इ केवाईसी दे टा सुनिश्चित मिली प्रभाती परिडा कहते। नंबर 9 राशन कार्डधारी आसला बड़ अपडेट। राशन कार्डधारी दिगला बड़ चेतावनी। जदि आपण प्रधानमंत्री गरीब राशन योजनार हिताधिकारी तेब आपण को सतर्क रहा आवश्यक, कारण विभाग अनेक लोकंर राशन को खूब शीघ्र बंद करने को प्रस्तुत होने मगणा राशन योग्य बेचित नुहति से राशन कार्ड कटा नहीं फाइल प्रस्तुत हो। भारत सरकार जितिय खाद्य सुरक्षा योजन गरीब अभावी लोक अति कम दर में राशन जोगा सरकार स्वल्प मूल्यर राशन योजनार फायदा नेबापाई लोकों पाखरे एक राशन कार्ड रहा आवश्यक, किंतु राशन कार्डधारी सरकार नुआ निर्देशनामा जारी करिछन्ते। 1 नवंबर एहाकु पूरण न करुथिबा हिताधिकारी राशन होइजिबो बंद। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना अधीन समस्त राशन कार्डधारी इ केवाईसी करिबा आवश्यक। खाद्य एवं जनकल्याण मंत्रालय द्वारा ए संपर्क में सूचना दिया जाइछि। नंबर 10 आहुरी 2 दिन प्रबल वर्षा 11 जिला को येलो वार्निंग जारी। अवपात प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में जारी रही वर्षा। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार वर्षा आहुरी 2 दिन लागि रहिबो। विशेषकर उत्तर ओडिशा रे अधिक बर्षिबो। आज मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग दि जाइछि। प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सुंदरगढ़, बालेश्वर और केन्दुझर को ऑरेंज अलर्ट जारी होता बेले 11 जिला येलो वार्निंग देछि पाणीपाग विभाग। प्रबल वर्षा नहीं जिलापा सतर्क कराई स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। माटी घर भांगा सहित तलिया अंचल पा जमिपे किसी नदी में जलपतन वृद्धि घटा आशंका थी आवश्यक पदक्षेप ने जिलापा निर्देश दि जाए। सेपटे मयूरभंज में लगा वर्षा जो बड़बिल गांव में भुशुड़ी पड़ी घर एर जड़े 52 वर्षीय महिला मृत्यु होता बेले पर आउ 3 जन आहत होती।
नंबर 11 एथर दशम श्रेणी षाणमासिक प्रश्नपत्र छपाइबनि बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होता दशम श्रेणी छात्र छात्री षाणमासिक अर्धवार्षिकी परीक्षा एथर बोर्ड आयोजन करना। हाईस्कल सार्टिफिकेट परीक्षा तथा मैट्रिक परीक्षा देवाई प्रस्तुत होता दशम श्रेणी छात्र छात्री मान षाणमासिक परीक्षा विद्यालय स्तर में प्रधान शिक्षक मैंने आयोजन करेंगे बोर्ड कार्यालय सूत्र सूचना मिली। सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह सुधा षाणमासिक परीक्षा आयोजन करने लगे बोर्ड पक्ष विद्यालय करतृपक्ष निर्देश रही है ताहा केवल कागज पत्र रे सीमित रही। सेप्टेम्बर द्वितीय सप्ताह शेष होते अद्यावधि राज्य में कौन विद्यालय स्तर में दशम श्रेणी छात्र छात्री षाणमासिक परीक्षा आयोजन हो पारिना जहां शिक्षाविद मैंने उद्वेग प्रकाश करोड पर मैट्रिक परीक्षार्थी तथा दशम श्रेणी छात्र छात्री पाठ्य खसड़ा और परीक्षा व्यवस्था बोर्ड पक्षर अनेक पर तेज दशम श्रेणी छात्र छात्री लगी प्रस्तुत सिलेबस टर्म 1 और टर्म 2 में विभक्त कर। नंबर 12 जूनियर क्लर्क एवं कनेस्टबल पदवी रे नियुक्ति पई विज्ञप्ति जारी। ओडिशा पुलिस निज ऑफिशियल वेबसाइट रे विभिन्न पदवी रो नियुक्ति पई एक विज्ञप्ति जारी करिछे। वर्तमान रो नियुक्ति ड्राइव अधीन रे ओडिशा पुलिस डीपीओ कैडर रे जूनियर क्लर्क एवं राज्यर विभिन्न ओएसएपी एसआईआर आईआर एसएस बटालियन रे कनेस्टबल नियुक्त करबाकू जाउछि। ए नियुक्ति ड्राइव माध्यम रे ओडिशा पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड माध्यम रे डीपीओ कैडर 177 जूनियर क्लर्क एवं स्टेट सिलेक्शन बोर्ड माध्यम रे ओडिशा पुलिस 1360 कनेस्टबल पदवी पूरण हेबो। उभय चाकरी सविशेष विज्ञप्ति 23 सेप्टेम्बर ओडिशा पुलिस वेबसाइट odishapolice.government.in रे उपलब्ध हेबो। इच्छुक प्रार्थी माने सरकारी वेबसाइट को विजिट करी शिक्षागत योग्यता चयन प्रक्रिया वर्ग ज्ञानी पदवी परीक्षा सिलेबस एवं अन्यान्य समस्त विवरणी पाइपरिबे। नंबर 13 दिल्ली निर्वाचन पूर्वरु मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल इस्तफा निष्पत्ति। दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पदरु इस्तफा घोषणा करिछंती। यहा सहित से दिल्लीर लोकंक ठारु एक नुआ जनादेश मागिछंती। से कहिछंती जे जेपर्यंत जनसाधारण सेमानकर राय न देबे सेपर्यंत मु मुख्यमंत्री आसन रे बसिबे नाही। सुप्रीम कोर्टरु जामिन पाइबारो 2 दिन परे एही निष्पत्ति निया जाइछि। केजरीवाल इस्तफा निष्पत्ति दिल्ली निर्वाचन पूर्वरु एक मास्टर स्ट्रोक बोली राजनैतिक महल चर्चा होउछि। केजरीवाल मद दुर्नीति रे संप्रक्त थिबा अभियोग होइछि एवं तांको घनिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया एही मामला रे 17 मास जेल रे बिताइथिले। केजरीवाल तांको इस्तफा घोषणा करी दिल्ली निर्वाचन पूर्वरु एक नुआ मास्टर स्ट्रोक खेलिछंती जहां माध्यम रे से तांको भावमूर्ति को सुधारिबा करबाकू चेष्टा करूछंती बोली राजनैतिक महल रे चर्चा होउछि। केजरीवाल एवं तांको दलर भावमूर्ति किछि समय पई क्षतिग्रस्त होइ जाइथिला। तबे एही निष्पत्ति निश्चित भाबरे आश्चर्यजनक बोली जनसाधारण कहते किंतु राजनैतिक समीक्षकों अनुसार गभीर भाव में अनुधान कले आश्चर्यजनक किछि नाही। यह निश्चित जे गणमाध्यम केजरीवाल पदक्षेप हेडलाइन सृष्टि कर। नंबर 14 आसंताकाली स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय छुट्टी। 74वां जन्मदिन में ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेप्टेम्बर 17 तारीख में ओडिशा आसिबे। ओडिशा गस्तरे आसी प्रधानमंत्री जनता मैदान में जनसभा को संबोधित करने सहित सुभद्रा योजना को शुभारंभ करिबे। परे विभिन्न प्रकल्प कार्यक्रम मध्य रही। भुवनेश्वर सबु यूनिवर्सिटी बंद रखा नहीं सरकार निर्देश देते। उच्चशिक्षा विभाग पक्ष निर्देशनामा जारी होई। बीएमसी अधीन समस्त विश्वविद्यालय कॉलेज बंद रहिबो। सुभद्रा योजना शुभारंभ पई प्रधानमंत्री आसुथिबारु बंद रहिबो। स्कूल कॉलेज सहित सबु विश्वविद्यालय बंद रहिबो। सरकारी कर्मचारी मानकर ऑफिस मध्य बंद रहिबो। सरकारी कार्यालय गुड़िकर प्रथमार्ध छुट्टी रहिबो। मोदींकर गस्त पई भुवनेश्वर प्रबल समागम हेबो। एहाकु दृष्टि रखी भुवनेश्वर समस्त स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय गुड़िक से दिन संपूर्ण छुट्टी हेबा सहित सरकारी कार्यालय गुड़िकर प्रथमार्ध छुट्टी रहिबो बोली राज्य सरकार निष्पत्ति ग्रहण करिछंती। नंबर 15 छानिया करुची आलु पियाज अदा रसुण दाम। मासक तले जो आलु पई राज्यव्यापी हल्लापटा हला सही आलुर दाम एबे खसुनी। विवाद तुटिबा परे पश्चिमबंगरु पर्याप्त आलु आसी ओडिशा मार्केट रे महजूद रही। मंत्री भी कहउचंदी किलो पिछा 15-20 टंका रे मिलुची किंतु वास्तव चित्र पूरा उल्टा। राजधानी राज्यव्यापी आलु किलो 30-35 कु खसु ही नाही। खाली आलु नुहे पियाज अदा रसुण सहित खाइबा तेल रे दर वृद्धि रो निया लागिछि ओडिशा रो हाट बजार रे। आलु किलो 15-20 टंका नाफेड जरिया रे पियाज किलो 35 टंका एथिला खाद्य एवं जोगाण मंत्री सूचना। हेले हाट बजार को जाई बुझला बेलकू
कथा पूरा अलग। भुवनेश्वर एक नंबर परिवा मार्केट रे जो व्यवसायी पाखक जातु किले आलु को 35-3 kg किणिले 100 पिज तो ऊपर मुहा सीधा पहुंची जाइए 55। कटक छत्र बजार परिवा मार्केट रो कथा जदि कहिबा तेबे आलु 30 पिज 55। ब्रह्मपुर कमापल्ली परिवा बजार रे मध्य 2 मास आगरु जो आलु 25 रे बिक्री होतला एबे तहा 30 रु 35 रे पहुंची सारिछि। तबे आज पई एतिकि पुणी आसीबी आपनको पाखकु किछि गुरुत्वपूर्ण खबर नै से पर्यंत मते विदाय दियंतु भलरे रुहंतु जय जगन्नाथ। आउ हां आम सहित व्हाट्सएप रे जॉइन हुंतु जहार लिंक वीडियो तळे डिस्क्रिप्शन ने दिया जाइछि।